मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही है ना कि रेडमी के साथ हैरी पॉटर ने बहुत जुल्म किया है, थोड़ा भी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जुल्म किया है। अब आप लोग बोलेंगे क्यों, अगर आप लोगों को याद, इससे पहले जून से मैंने दो वीडियो अपलोड की है ना हैरी पॉटर स्मार्टफोन के बारे में, वो जो था हैरी पॉटर ने रेडमी के साथ कोलैब किया हुआ था, लेकिन अब आ चुका है ओप्पो ने हैरी पॉटर के साथ कोलैब कर लिया है। लेकिन मेरे ख्याल में हैरी पॉटर को रेडमी का कोलैब पसंद नहीं है, उनकी अनबॉक्सिंग और उनका फंक्शन फ्यूचर में ख्याल में पसंद नहीं आया होगा, इस वजह से उन्होंने जो है रेडमी को छोड़कर ओप्पो के साथ कोलैब कर लिया है। लेकिन आज की वीडियो में मेरे पास जो है हैरी पॉटर जो है ना उसने ओप्पो के साथ कोलैब किया, क्योंकि आज की वीडियो में मेरे पास मौजूद है ओप्पो हैरी पॉटर स्मार्टफोन हमारे पास आया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करना कोई ज़रा मुश्किल काम भी होता है लेकिन कोई का बात नहीं, कर दिया करें सब्सक्राइब, हो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में मेरे पास मौजूद है ओप्पो रेनो 12F हैरी पॉटर एडिशन। हाँ आप लोगों ने सुना है ओप्पो रेनो 12 हैरी पॉटर एडिशन स्मार्टफोन हमें आज की वीडियो में देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को कहता चलूँ, ये स्मार्टफोन जो है हालांकि अभी अभी लॉन्च हुआ है, यानी इसका ज़्यादा ज़्यादा एक महीने भी नहीं होता लॉन्च हुए, ये जो है अभी फ्रेश हमें पीस देखने को मिल जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश है, ये नहीं कि ये अभी अभी लॉन्च हुए। इसी के अलावा ये स्मार्टफोन जो है हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो देखेंगे ना तो आप लोगों को खुद ही यकीन आएगा। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो दिखाता हूँ। रिपोर्टर का जो बॉक्स है ना वो जो है हमें ब्राउन कलर का देखने को मिल जाता है, इससे पहले ब्लू आया था, फिर बाद में ब्लैक था, अब जो है ब्राउन कर दिया गया है। लेनर की कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हमें दिख रहा है। इसमें जो है छोटी से बड़ी चीज़ को डिटेल से मेंशन किया गया है, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हर एक चीज़ को जो है डिटेल से मेंशन किया गया है। ऊपर हैरी पॉटर को मेंशन किया गया है और नीचे ओप्पो रेनो 12F हैरी पॉटर एडिशन को मेंशन किया गया है। तो कुछ इस तरह से हमें अंदर से देखने को मिल जाता है और ये पता नहीं कि ये क्या चीज़ है, और साथ में हमें वेलकम भी किया जाता है इसके ऊपर, अगर आप लोग देखें तो ऊपर जो है वेलकम को मेंशन किया गया है और इसमें हमें एक थैंक यू लेटर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप लोगों ने पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि अब मैं ये पढ़ूंगा। तो इसमें जो हमें एक थैंक यू लेटर भी देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें एक चरी देखने को मिल जाती है, मेरा मतलब ये चरी है, अब क्या बोल रहे हम लोग तो अपनी जुबान में चरी बोलते हैं, इसको जो हमें एक डंडा देखने को मिल जाता है। हालांकि ये डंडा नहीं है, ऊपर से अगर आप लोग देखें तो इसमें जो है रबड़ लगा हुआ है, आप लोग जो है दूर से भी अपने स्मार्टफोन को इसके जरिए यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अब इसको कौन यूज़ करेगा, हालांकि फिर भी आप लोगों को कहीं शोशा के लिए लगाना हो तो आप लोग कहीं पर लगा सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इसकी क्वालिटी भी प्रीमियम क्वालिटी हमें देखने को मिल जाता है, जो कि ब्राउन कलर के साथ हमें देखने को मिल जाता है। और बॉक्स के नीचे हमें सबसे पहले एक सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है। रेडमी की तरफ से जो है ये बिल्कुल सिंपल केस अभी तक आया है, दो और जो थे ना उसमें जो है हमें थोड़ा अच्छे केस देखने को मिलते थे, लेकिन इसमें जो है हमें एक सिंपल केस देखने को मिल जाता है। चार्जर हमें इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि पहली बार मैं इस कलर का चार्जर देख रहा हूँ, और साथ ही साथ में टाइप ए टू टाइप सी हमें इसमें केबल देखने को मिल जाती है। चार्जर जो है ना 45 वाट का हमें इसमें चार्जर देखने को मिल जाता है, यानी 45 वाट का चार्जर अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है। चार्जर में भी हैरी पॉटर को मेंशन किया गया है, और इसी के अलावा इसके अंदर जो है हमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिल जाती है, जो कि है लॉकेटो, हमें इसमें जो है एक गोल्डन कलर का लॉकेट देखने को मिल जाता है। मुझे नहीं पता है लॉकेट का क्या काम है, हालांकि अगर आप लोगों ने किसी को गिफ्ट देना हो तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन देखा जाए तो ये चीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, जो कि गोल्डन कलर का हमें देखने को मिल जाता है। इन्हें में बहुत बहुत अलग है और स्मार्टफोन से, बहुत बहुत डिफरेंट भी है और स्मार्टफोन से, और साथ ही साथ में बहुत बहुत खूबसूरत भी है, जो कि हमें ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। बैग में हैरी पॉटर और ओप्पो को मेंशन किया गया है, क्योंकि हैरी पॉटर और ओप्पो जो है उन दोनों ने मिलकर एक कोलैब करके ये स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर किया है, और दरमियान में हमें शाइनिंग वाला मटेरियल देखने को मिल जाता है, और साइड में जो है हमें इसमें जो है मेट वाला फिनिश वाला हमें जो है इसमें मटीरियल देखने को मिल जाता है, यानी इसमें जो है हमें दो तरह के मटीरियल देखने को मिल जाते हैं, दरमियान में जो है शाइनिंग वाला मटीरियल देखने को मिल जाता है और साइडों में जो है मेट वाला मटीरियल हमें इसमें देखने को मिल जाता है। अगर कैमरे मॉड्यूल को देखा जाए तो इसका कैमरा मॉड्यूल जो है हमें थोड़ा सा गोल्डन देखने को मिल जाता है, लाइट गोल्डन के साथ हमें इसका जो है कैमरे का मॉड्यूल देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है। अगर मैं स्मार्टफोन के ऊपर कवर लगा के दिखाऊं ना तो कवर लगाने में ये स्मार्टफोन जो है हमें कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को के पास अगर ये स्मार्टफोन आ गया तो आप लोग इसके ऊपर कवर लगाना पसंद करेंगे या कवर लगाना पसंद नहीं करेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।
वैसे अगर देखा जाए तो मैं हैरी पॉटर का कोई बड़ा फैन नहीं हूँ, इतना कोई बड़ा नहीं मैंने इसके कोई एपिसोड और नहीं कोई वीडियो वगैरह मैंने देखी है, लेकिन जब इस स्मार्टफोन के बारे में मुझे पता चला तो मैंने कहा इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो अपलोड करनी चाहिए, और जब मुझे ये पता चला कि ये स्मार्टफोन जो है अभी अभी लॉन्च हुआ तो फिर तो मैंने कहा इसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करनी चाहिए। हालांकि मेरी इस ये वीडियो अपलोड होने के बाद क्या बताइए स्मार्टफोन लॉन्च हो भी गया हो। इसी के अलावा इसकी बॉडी का जो फ्रेम है ना वो भी हमें जो है शाइनिंग के साथ देखने को मिल जाता है, यानी कैमरे का जो गोल्डन है इसी तरह इसके साइडों में भी हमें गोल्डन तरह का मटेरियल देखने को मिल जाता है। अगर डिस्प्ले की तरफ हम लोग आए, डिस्प्ले में जो है हमें सबसे पहले हैरी पॉटर एडिशन का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है जो कि 6.67 इंच की ओलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ हमें देखने को मिल जाती है, 2100 तक की ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है। इट्स अमेजिंग यार, अभी तक जो है मैंने 2000 से ऊपर तक ब्राइटनेस को नहीं देखा, लेकिन इसमें जो है हमें 2100 ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, यानी 2100 ब्राइटनेस ही को ये सपोर्ट करता है जो कि बहुत बड़ी बात है। डिस्प्ले की क्वालिटी जो है हमें बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। इसी के अलावा अगर आप लोग इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले में YouTube पर वीडियोस देखेंगे, प्रीमियम वीडियोस देखेंगे, तो आप लोगों को और ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी के अलावा ये स्मार्टफोन जो है 5000 mAh की बैटरी यानी एक बड़ी बैटरी के साथ हमें देखने को मिल जाता है जो कि है 5000 mAh की बैटरी। इसी के अलावा स्मार्टफोन में जो है हमें 3.5 mm जैक अवेलेबल देखने को नहीं मिलता। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि इसमें 3.5 mm जैक होगा तो ये सोच अपने जहनों से हटा दें। अगर कैमरे मॉड्यूल की तरफ हूँ तो बैक में जो है मुझे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, मेन कैमरा 50 MP का, उसे छोटा जो है 8 MP का अल्ट्रा वाइट हो, उससे छोटा जो है 2 MP का माइक्रो कैमरा मुझे इसमें देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो फ्रंट कैमरा जो है 32 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी इज सच अमेजिंग, इसकी कैमरा की क्वालिटी हमें जो है बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके की देखने को मिल जाती है, हालांकि हर एक चीज़ को ये जो है अच्छी तरीके से पकड़ता है। इसकी कैमरे की क्वालिटी हमें जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट देखने को मिल जाती है, हालांकि अब जिस तरह मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को उस तरीके से समझ नहीं आएगा, जब आप लोग खुद इस स्मार्टफोन में वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे ना तो आप लोगों को इसका जो है एक अलग ही मज़ा मिलेगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये स्मार्टफोन कैसा लगा, ताकि मुझे भी पता चले मेरी ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है, कौन से स्मार्टफोन आप लोगों को पसंद आते हैं। अगर इसके अलावा मैं ये बात करूँ इस स्मार्टफोन में जो मुझे सिर्फ एक ही वेरिएंट अवेलेबल देखने को मिल जाता है और वो है 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला, यानी 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला। यानी जब आप लोग ये स्मार्टफोन बाय करने जाएंगे तो आप लोगों के पास इसमें जो है सिर्फ एक ही वेरिएंट का ऑप्शन होगा, यानी दूसरा वेरिएंट आप लोगों को इसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही वेरिएंट होगा। एक ही वेरिएंट के साथ इसमें जो है सिर्फ एक ही कलर को लॉन्च किया गया है, वो जो है आप लोगों को मेरी डिस्प्ले में आ रहा होगा क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है, इसमें दूसरा कलर नहीं लॉन्च किया गया, सिर्फ एक ही कलर लॉन्च किया गया है जो कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन में दिख रहा होगा। अगर आप लोगों ने ये स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप लोगों ने मेरे साथ रब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें क्लिक करेंगे आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं ये स्मार्टफोन बाय करने के लिए। आप लोग कहीं से भी है तो आप लोगों को ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। प्राइस अगर बात करूँ तो प्राइस जो है 1,26,999 रुपये हमें इसकी देखने को मिल जाती है, यानी 1,26,999 रुपीज़ हमें इसकी प्राइस देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो भाई के साथ रब्ता कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई चीज़ स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।